नमस्कार, न्यूज क्लिक पे आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं कोविड 19 के बारे में, जो हर हफ्ता हम करते हैं प्रोफेसर सतीश रथ के साथ। इस वक्त कुछ नए चीजें हमारे सामने है। सबसे बड़ी चीज जो है वो है ओमिक्रॉन। भारतवर्ष में उसका दौर लगता है शुरू हो गया है। अभी अगर कुछ शहरों को देखें, खास तौर से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, इन जगहों पे, केरल में तो खैर संख्या इतनी बढ़ी नहीं है पहले से, इन शहरों में हमें बढ़ोतरी नजर आ रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, जो कि दूसरे जगहों पे दुनिया में हमको देखने को मिला है कि बहुत तेजी से लहर ऊपर चली जाती है, जिसको कहते हैं कि इनिशियल फेज में करीब करीब वर्टिकल राइज होता है। उसका शुरुआत लगता है हमारे यहाँ शहरों में हुआ है। हमने पहले भी जो जिक्र किया है सचित के साथ कई बार, कि जो हमारी ये पैंडेमिक है ये देश में एक साथ नहीं फैलती, शहरों में लोकैलिटीज में फैलती है। उससे द्रुत तरीके से अगर बढ़ती है तो और लोकैलिटीज में फैलती है, शहर में फैलती है, इसके बाद दूसरे शहर में फैलती है। तो एक वक्त हर जगह पे फैलेगी नहीं, पर अभी इसकी शुरुआत नजर आ रही है। और ये भी है कि ओमिक्रॉन काफी तेजी से जहां जहां पहुंचा है तेजी से बढ़ा है। सत्यजीत, आपको ये कुछ बताना आपके लिए जरूरी है कि ओमिक्रॉन लगता है कि दूसरे जगहों, दूसरे जो नस्लें हैं उससे ज्यादा तेजी से, ज्यादा रफ्तार से पहले इनिशियली बढ़ती है, पर इसके बाद इसका असर इतना ज्यादा अस्पतालों पे नहीं हो रहा है, मतलब सीरियस केसेस कम हो रहा है। तो ये एपिडेमिक नंबर्स है, इसके बाय इसके अनु क्या कहेंगे विश्लेषण भी नहीं जा रहा हूं इस वक्त। क्या ये इस वक्त जो दूसरे मुल्कों की चेहरा है, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप के दूसरे देश हो, साउथ अफ्रीका जहाँ शुरू हुआ है और अब यूएस में जहां पर काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसको देखते ये चेहरा लगता है कि सब जगहों पर दिखाई पड़ रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं प्रबीर, ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है उसकी रफ्तार पहले वाली नस्लों के बजाय बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ये साउथ अफ्रीका में दिखाई दिया, ये बर्तानिया में बिल्कुल यही बात दिखाई पड़ी, अब अमेरिका में, कनाडा में, साउथ कोरिया में और भारत में यही दिखाई देने लगा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, विषाणु कोई देश की सीमाएं नहीं पहचानता। विषाणु तो एक दूसरे से रोजमर्रा के लेन देन के व्यवहार करने वाले लोगों के गुटों को पहचानता है, क्योंकि वो उन गुटों के दरमियान फैलता है। तो जाहिर है कि भारत में भी आज की तारीख में, दिल्ली में आंकड़े बड़े जोर शोर से बढ़ रहे हैं, उससे भी बढ़कर बंबई में आंकड़े बढ़ रहे हैं और शहरों में, कलकत्ते में थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन और शहरों में जो बढ़त है वो उतनी तीव्र नहीं है जितनी कि इन दो महानगरों में है आज की तारीख में। लेकिन आगे चलते बिल्कुल उसी तरीके की बढ़त दिखाई देने की संभावना बहुत ज्यादा है। दो बातें मैं याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को। एक तो साउथ अफ्रीका में हफ्ते 10 दिन बाद आंकड़े कम होने लगे, और आंकड़ों का कम होना आज तक लगातार जारी है साउथ अफ्रीका में, लेकिन यही बात बर्तानिया में या अमेरिका में अभी तक नजर में नहीं आई। हालांकि आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन जांचों की संख्या में भी कमी आई है, क्योंकि छुट्टियों के दिन है, तो हो सकता है कि उस वजह से आंकड़ों की कम ज्यादा होने की विविधता बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसी कोई एक साफ बात सामने नहीं आई कि बर्तानिया या अमेरिका में आंकड़े कम हो रहे हैं। तो जो साउथ अफ्रीका में हुआ कि बहुत जोर शोर से ऊपर चढ़ गए आंकड़े और फिर उसी तेज रफ्तार से कम भी होने लगे, क्या यही दौर और जगहों पर दिखाई देगा
ये आगे आने वाले दिन दिखाएंगे। और इसलिए भारत में हमने इस बात पर विश्वास रखकर बिल्कुल गाफिल नहीं रहना चाहिए कि आंकड़े बढ़े हैं लेकिन उतनी तेज रफ्तार से कम भी हो जाएंगे, ये सोचना हमारे लिए आज सही नहीं होगा। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि जितनी जोर शोर से संक्रमण के बाधित व्यक्तियों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज रफ्तार से अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों के आंकड़े नहीं बढ़ रहे। ये साउथ अफ्रीका में तो साफ दिखाई दिया, ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में, बर्तानिया में ये बिल्कुल सीधी बात सामने आई कि अस्पतालों में आंकड़े बढ़े तो जरूर है लेकिन जितने गुना बाधित मरीजों के आंकड़े बढ़े उतने गुना अस्पतालों में आंकड़े बढ़े नहीं। इसके साथ साथ ये एक सोच आई कि ओमिक्रॉन की जो बाधा है वो उतनी गंभीर बीमारी नहीं पैदा करती जितनी पहले वाली नस्लें पैदा करती हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाली नस्लें। इस पे मैं आपको मैं अलग से बात करना चाहूंगा जी बिल्कुल, लेकिन आंकड़े बिल्कुल साफ ये दिखा रहे हैं। तो इसीलिए आपसे ये पूछना था कि अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, कुछ शोध की पेपर्स है जो अभी तक जिसको कहते हैं बायो आर्काइव्स में है, मतलब अभी भी पीयर रिव्यूड नहीं है, पर अभी जो आंकड़े हैं पहले हांगकांग से आई थी, वहां पर रिसर्चर्स ने कुछ शामिल किया था हमारे सामने कि इसमें नस जो आपकी नाक और ऊपर की सांस नाली में इंफेक्शन काफी तेजी से बढ़ता है पर लंग तक इतने रूप में नहीं पहुंचता, लंग की इंफेक्शन काफी कम होता है। तो इस ये क्या आप लगता है कि पोस्ट रिजल्ट्स है जिस पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन के सिर्फ आंकड़े नहीं जो इस वजह से भी हो सकते हैं, हम काफी वैक्सीनेटेड है, हमारी पहले से इम्यूनिटी है क्योंकि इन्फेक्शन भी हो चुका है, पर एक्चुअली ओमिक्रॉन जो नस्ल है इसमें सीरियस केस उतना पैदा नहीं करता। जी बिल्कुल, तो ये जैसा कि आप कह रहे हैं दो संभावनाएं थी। एक संभावना ये थी कि ओमिक्रॉन नस्ल के जरिए उतनी गंभीर बीमारी पैदा नहीं होती जितनी पहले की नस्लें पैदा करती हैं, इसलिए कि ओमिक्रॉन वाली नस्ल आम तौर से टीकाकृत या पूर्व बाधित लोगों के गुटों में फैल रही है, तो उनमें किसी हद तक प्रतिरक्षा क्षमता है कोविड के विषाणु के खिलाफ। और हालांकि ओमिक्रॉन संक्रमण तो पैदा कर सकता है लेकिन फिर भी नियंत्रण ऐसे प्रतिरक्षा क्षम शरीरों में काफी अच्छा होता है और उसलिए ओमिक्रॉन नस्ल से बीमारी उतनी गंभीर रूप से पैदा नहीं होती, ये एक संभावना थी। दूसरी संभावना ये थी कि ओमिक्रॉन नस्ल में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन बदलावों की वजह से ओमिक्रॉन उतनी गंभीर बीमारी पैदा करने के काबिल ही नहीं है चाहे किसी में भी हो। तो ये दोनों शक्यताएं एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही साथ सच हो सकती हैं, ये अपन ने याद रखना चाहिए। तो पहली जो संभावना है कि वो टीकाकृत या पूर्व बाधित लोगों में फैल रहा है और इसलिए बीमारी की सौम्यता दिखाई दे रही है, वो तो शायद सच है ही, लेकिन उससे बढ़कर आप जिन नतीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले चार दिनों में शोध प्राथमिक शोध निबंधों के रूप में सामने आ रहे हैं, तो वो सारे नतीजे इसी और उंगली दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन नस्ल उतनी गंभीर बीमारी पैदा नहीं करती। और उसमें एक वैज्ञानिक रुचि की बात है, एक बात यह है उसमें, जैसा कि आपने कहा कि हांगकांग के वैज्ञानिकों ने देखा कि श्वास नलिकाओं के ऊपरी हिस्सों में ओमिक्रॉन की बढ़त ज्यादा होती है, फेफड़ों में तनिक कम होती है। और चूंकि गंभीर बीमारी फेफड़ों में होने वाले दाह के प्रदाह के
आपदा की वजह से होता है, तो इसलिए हो सकता है, हांगकांगी वैज्ञानिकों का कहना था कि इसलिए हो सकता है कि ओमिक्रॉन की बीमारी थोड़ी सौम्य बीमारी। दूसरी ओर तीन चार अलग अलग गुटों ने, दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों के गुटों ने ये देखा कि दो तरीकों के जानवरों में, छोटे जानवरों में, एक तो चूहों में और ऐसे चूहों में जिनमें आनुवंशिक बदलाव करके उन्हें SARS-CoV-2 विषाणु के संक्रमण के काबिल बनाया गया था, क्योंकि चूहों में वैसे आमतौर से SARS-CoV-2 का संक्रमण नहीं होता, लेकिन उन्हें ऐसे उनमें ऐसा आनुवंशिक बदलाव करें तो फिर वो संक्रमण के काबिल हो सकते हैं। तो ऐसे चूहों में डेल्टा नस्ल और ओमिक्रॉन नस्ल में जो चूहों में बीमारी पैदा होती है, उस बीमारी की गंभीरता बिल्कुल अलग अलग है। उसी तरीके से सीरियन हैमस्टर्स में, जो और एक तरीकों के चूहिया प्रजाति परिवार के सदस्य हैं, तो हैमस्टर्स में भी बिल्कुल यही देखा गया के और पहली नस्लों के की तुलना में ओमिक्रॉन नस्ल से हैमस्टरों में जो बीमारी पैदा होती है वो बहुत कम गंभीर होती है। तो सारे नतीजे यही कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन की जो नस्ल है वो फैलाव में, फैलाव की रफ्तार में बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन बीमारी की गंभीरता में बहुत कम काबिल है, बिल्कुल सौम्य सी बीमारी पैदा करती है। लेकिन अपन जो पिछले महीने भर से इसी इन्हीं बातचीतों में बार बार कह रहे हैं वो ये है कि संक्रमण से बाधित लोगों के आंकड़े बहुत जोर रफ्तार से बढ़े, तो उनमें से फीसदी नाप से भले ही परसेंटेज गंभीर बीमार लोगों का बहुत कम हो, लेकिन अगर मूल आंकड़े बहुत ज्यादा हैं तो अस्पताल तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या फिर भी बहुत ज्यादा होगी, और अस्पतालों पर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहुत भारी और जोर शोर से दबाव आएगा, और इसलिए इसके बारे में हमने गाफिल रहना सही नहीं होगा। और उस वक्त अस्पतालों में सिर्फ लोग, बीमार लोग नहीं पहुंचेंगे, अस्पताल के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो नर्सेस हैं, जो और आपके मेडिकल स्टाफ है, सब पर ये दबाव रहेगा कि क्योंकि वो भी बीमार पड़ेंगे, और वो अगर बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल वगैरह भी अंडरस्टाफ्ड हो गए उसी वक्त, जिस वक्त ये तेजी, तेज रफ्तार से ये बढ़ेगी। तो ये दोनों चीजें हैं, और ये भी दूसरे शहरों में देखने को मिल रहा है कि आपातकालीन जो इमरजेंसी स्टाफ जो है वो भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और इसीलिए वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, और काम पे अगर नहीं जा पाएंगे तो बहुत सारे व्यवस्था इसमें ठप हो जाएगी। तो ये नहीं है कि इसीलिए बड़े खुशमिजाज से घूमे, कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते, मास्क नकाब ना पहने, आम दोस्तों से मिलके बंद जगहों पे मस्ती करे, वो सब ना करे। इस वक्त हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना नहीं, पर सबकी स्वास्थ्य के लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनानी चाहिए, ये सबका कहना है जो पब्लिक हेल्थ पे से जुड़े हुए हैं, उनका सबका अपील है कि प्लीज उसकी आप कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर मत करिए, सावधानी बरतिए, दफ्तर और दूसरे जगहों पे भी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे न्यूज क्लिक का दफ्तर अभी हमने चलाना बंद कर दिया, सब घर से काम कर रहे हैं, इसी वजह से कि हमारे अंदर संक्रमण कम हो। आखिरी सवाल सत्यजीत ये है कि इस वक्त लगता है कि शायद लोगों के पास ज्यादा समझ है, शायद लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने से करेंगे, शायद अस्पतालों की स्थिति पहले से बेहतर है, पर ये दवाइयों की जो बात हो रही है, मॉलनप्रेविर वगैरह, इस वक्त क्या इसका कोई रोल है? क्योंकि उसका बनाना, इसके बाद वितरण करना, उसका दाम, ये सब तो इस वक्त हवा में है।
बात तो ये है प्रबीर कि मोलनुपिराविर तो दूर की बात रही, टीकों के आंकड़ों में भी आज अगर बढ़त बनाए रखें हम, जैसे कि आज से अभियान शुरू हुआ है कि 15 से 18 के नाबालिग बच्चों में अब टीकाकरण करें, लेकिन दिन के 20-25 लाख अपन टीकाकृत करते हैं, जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन के आंकड़े बढ़ते हैं, एक जगह एक स्थान में एक मोहल्ले में ओमिक्रॉन पहुंच जाए तो जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ते हैं, तो जाहिर है कि टीकाकरण करने के बाद 2-3 हफ्तों बाद, पहले तो 2 डोज का टीकाकरण करना चाहिए, दूसरा डोज कम से कम 6 हफ्ते बाद लेना चाहिए, तो इसमें 2-3 महीनों का मसला है जो आज टीका लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो टीकाकरण का जो आज आती दिखाई दे रही है उस लहर पे असर थोड़ा कम ही होना है। बिल्कुल उसी तरीके से मोलनुपिराविर जैसी दवाएं जिनका बड़े पैमाने पर निर्माण अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं जहां बैठा हूं पुणे में वहां की एक कंपनी है एमक्योर, उन्होंने आज कहा है कि मर्क के साथ उन्होंने किसी तरीके का समझौता किया है भारत में मोलनुपिराविर के निर्माण के लिए, और उस निर्माण से वो भारत में वितरण करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें भी कम से कम चंद हफ्ते तो जाने हैं, मेरे हिसाब से तो चंद महीने जाने हैं। तो आज के हालात में हमारे सामने बिल्कुल कोविड के खिलाफ कोविड नियंत्रण बर्ताव के सिवा और कोई साधन नहीं है। नकाब पहने, अच्छा नकाब पहने, जहां तक हो सके शारीरिक दूरीकरण के रास्ते अपनाएं, और टीकाकरण पूर्ण तरीके से, ना सिर्फ पहला डोज लेके लेकिन पहला और दूसरा दोनों डोज लेके अपन स्वस्थ रहें, यही आज की मांग है। और इसके साथ साथ हमारे सबकी अपील होगी कि जिन्होंने टीका नहीं लिया है जरूर टीका ले, सरकार से, सब सरकारों से, क्योंकि ये केंद्र और स्टेट दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, सब सरकार से अपील है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए, क्योंकि दिसंबर के आखिर तक सबको 2 टीके लग जाएंगे, ये घोषणा की गई थी। अभी भी उसमें काफी परसेंटेज लोग हैं जिनको दूसरा डोज नहीं मिला है, तो इसीलिए दूसरा डोज के इंतजाम कैसे करें, उसमें कैसे जो सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको कैसे आप मोबिलाइज कर सकते हैं सबको टीकाकृत करने के लिए, ये हमारे सामने पहला चैलेंज है। और ये बात सही है, आज टीका लगेगी तो उसका असर नहीं पड़ने वाला है इस वेव पे, पर अगर एक डोज पड़ चुका है दूसरा डोज पड़ेगा तो शायद उसमें थोड़ी सी ज्यादा फायदा हो सकती है, तो इसीलिए सेकेंड डोज पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। जो इस वक्त लग रहा है सरकार और हमारी सबकी नजर वहां से हट गई है, अभी भी नाजुक स्थिति होने वाली है, कितना नाजुक होता ये पता नहीं है, देखनी पड़ेगी कि शायद बहुत ज्यादा नाजुक ना हो। डेल्टा की जो वो वेव थी जिससे हम परिचित हैं और जानते हैं हमारे ऊपर कितना भारी पड़ा था, शायद इस बार ना हो, पर तैयारी हमको अस्पतालों के तरफ से और अपनी तरफ से रखनी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य क्या होगा इस वक्त को कोई उस तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इन सब बातों को याद रखते हुए आप देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारे साथ जुड़िएगा यहाँ हमारी इस शो में और हमारे वेबसाइट पे।